हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसजी ग्रो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग सीखने वाले हैं होली में इमेज एडिटिंग कैसे करेंगे, होली का इमेज एडिटिंग कैसे करेंगे। तो आप सामने देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड, यहाँ पे मैंने जो है एडिटिंग करके रखा हुआ है, तो कुछ ऐसे ही हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने कुछ इमेजेस जो है डाउनलोड करके रख रखे हैं, जैसे कि ये हुए, यहाँ पे मैंने रख रखे हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल इमेज लेंगे, जैसे कि आप सामने बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ PNG इमेज लिया है। आप भी PNG इमेज ले लीजिएगा ताकि बैकग्राउंड एडिट करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में क्या करेंगे, इससे जैसे इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक दूसरी बैकग्राउंड मैंने ले ली है, दिखा रहे हैं हम आपको, जैसे कि ये वाली बैकग्राउंड मैंने ले ली है। आप दूसरा बैकग्राउंड भी चूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। उसके बाद आप देख सकते हैं एक बैकग्राउंड मैंने ये लिया है, ये इस बैकग्राउंड को मूव टूल की मदद से उठा के ले जाके हम इस बैकग्राउंड पे रख देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यहाँ बड़ा करके आप देख सकते हैं, इसको हम बड़ा कर ले रहे हैं। उसके बाद में Ctrl+T करेंगे, Ctrl+T करने के बाद इस इमेज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ये थोड़ा नीचे तक जाए। नीचे तक जाने के बाद इंटर कर देंगे हम। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये लेयर और ये लेयर, लेयर वन और लेयर टू Alt के साथ हम क्लिक करेंगे ये दोनों में, इस लेयर को हम लेयर वन को पकड़ के लेयर टू के ऊपर कर देंगे। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस इमेज को जो है थोड़ा सा नीचे करेंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो थोड़ा थोड़ा सा साइड वगैरह है, अगर हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ फिल्टर्स में जाएंगे, यहाँ फिल्टर में जाएंगे हम जो है इस लेयर टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ फिल्टर में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ तो गाइडेंस ब्लर पे उठाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा हम इस इमेज को ब्लर कर देंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हम 1 पॉइंट तक ब्लर कर देंगे। उसके बाद में ओके कर देंगे हम। उसके बाद में इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस बैकग्राउंड को हम मिनिमाइज़ कर दीजिए या क्लोज़ कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बैकग्राउंड्स इस तरीके से दिख रहे हैं और कुछ इस तरीके से। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको उठा के ले जाके इस पर हम रख देंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, हम इस इमेज के ऊपर हम इसको करेंगे। उसके बाद में यहाँ से ये जो दिख रहा है इसको हटाएंगे और इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद में इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, Ctrl+T कर लेंगे इसे। Ctrl+T करने के बाद अपने हिसाब से इसे जो है हम सेट, अब Ctrl+T करेंगे। Ctrl+T करने के बाद इसे अच्छे से हम मूव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर लीजिएगा। हमें ये वाला बैकग्राउंड नहीं चाहिए इसलिए हम इसे नहीं यूज कर रहे हैं, हम दूसरा बैकग्राउंड ले ले रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बैकग्राउंड और था, एक बैकग्राउंड ये है, हम इसको उठाएंगे और ले जाके यहाँ पे इस पर हम रख देंगे, इसके ऊपर जो है ऐसे कुछ इस तरीके से। और यहाँ से जो है मैजिक टूल उठा के इसके बैकग्राउंड को हम इरेज कर देंगे, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हम दूसरा टूल एक्टिव करके इसको हाइड कर देंगे ताकि ये जो अच्छे से सेट हो सके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक इमेज हमारे पास और था उसको हम ले ले रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम ओपन कर ले रहे हैं। उसके बाद में जो है हम क्या करेंगे, इसको उठा के इस पे रख देंगे और Ctrl+T करके इसे थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे इस इमेज को। यहाँ से शिफ्ट बटन के साथ इसको करेंगे तो ये थोड़ा सा सही सेट होगा, इसलिए हम इसे शिफ्ट बटन के साथ करेंगे और थोड़ा सा और ऊपर ले ले रहे हैं इसको, ये कुछ इस तरीके से। और इंटर कर देंगे और यहाँ से जो है मैजिक टूल उठा के इसके बैकग्राउंड को जो है हम डिलीट कर देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अच्छे से रिमूव हो गया है। उसके बाद हम Ctrl+ दबाएंगे, ये इमेज हम जूम कर लेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई और भी इस पे इमेज रखना, यानी कि बैकग्राउंड्स रखना, तो आप उसे रख सकते हैं। जैसे कि
मैंने ये वाला जो बैकग्राउंड है ये वाला यूज किया है। उसके बाद में हम इसको फिर से मूव टूल की मदद से उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, और यहाँ पे मैजिक टूल उठाएंगे और सारे के सारा जो है बैकग्राउंड्स डिलीट कर देंगे, ताकि ये जो हमारा अच्छे से सेट हो सके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, माइनस थोड़ा सा इसे कर ले रहे हैं ताकि ये दिखे। उसके बाद में हम कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करने के बाद जो है कंट्रोल टी करेंगे ताकि ये सेट हो सके अच्छे से। ये कुछ इस तरीके से जो बाकी का बैकग्राउंड्स बचा हुआ है इसको हम पलट के ऐसे रोटेट कर लेंगे, और यहाँ से जो है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हुए कुछ इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटर कर देंगे, प्लस यहाँ कंट्रोल प्लस दबाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा है ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हो गया है, हम थोड़ा सा माइनस करके दिखा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा ऊपर लाना, तो आप देख सकते हैं ये कुछ थोड़ा सा ऊपर इसके आ जाएगा। तो फाइनली लुक आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है सारा बैकग्राउंड्स। और एक बार हम पूरा जूम करके आप दिखा दे रहे हैं ये किस इस तरीके से रिमूव हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस पर कुछ लिखना है तो यहाँ से टेक्स्ट उठाइएगा, टेक्स्ट का यहाँ से कलर जो है चेंज कर लीजिएगा। यहाँ से जो है हम रेड कलर कर दे रहे हैं। उसके बाद जो इसे हम मूव टूल की मदद से और कंट्रोल टी कर देंगे, कंट्रोल टी करने के बाद इसे जो हम छोटा कर देंगे, इसके हम नीचे करते रहें थोड़ा सा, और इंटर कर देंगे। उसके बाद में फिर से हम लिखेंगे यहाँ से जो है, अगर आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉन्ट पे भी चेंज कर सकते हैं। इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट बटन दबा के, और यहाँ से जो है हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं जो भी हमको फॉन्ट चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ सिंबल वाला ऑप्शन हो जा रहा है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने कर दिया। अगर आप इसमें कलर डालना चाहते हैं, 2 कलर्स 3 कलर्स, तो आप इस पर डाल सकते हैं। फाइनली हमारा बन के रेडी हो गया है। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। हमें फ़ोटोशॉप में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि लेयर इधर उधर ना होने पाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।